ओम शांति। आज की तारीख है 18/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, दुनिया में हमें जन्म लेने के पश्चात जो भी हमारे कनेक्शन में, चाहे वो ब्लड कनेक्शन हो चाहे स्नेह संपर्क हो, लेकिन हमें सब नंबर वार प्रिय लगते हैं। लेकिन सच पूछे तो इस आत्मा को सबसे अधिक ते अधिक कौन प्रिय लगता है? आत्मा को अपने परम प्रिय परमपिता परमात्मा ही प्रिय लगते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको पहचान देना कि वो बाप कौन है, क्या है, कहाँ रहते, क्या करते, ये सब पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा भी किसने बनाया, ये समझ देना, ये तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए कर ज्ञान रत्न चुगना सिखाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से अपार खुशी रहेगी। गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। नंबर दो है, पाप कर्मों से बचने के व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा शिव पिता का बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव कराने वाले और करने वाले सदा समर्थ भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क की निशानी भी लिखेंगे तो कैसे, ऐसे टेढ़ी और बिंदु एक सेकंड में, उससे भी कम टाइम में। तो बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएगा। बिना बिंदु विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से तुम्हें उसमें निकलना पड़ेगा। इसीलिए बिंदु रूप में स्थित रहे
सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।